आज सबसे पहले मैं सामने भूमि भवन पर दिख रही महापुरुष राष्ट्रपति जी को सादर नमन कर रहा हूँ और अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी नमन कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने प्रचार मंच में देखा, संबोधन भी देखा, राष्ट्रपति महोदय का भी देखा और प्रधानमंत्री जी का भी देखा। यहाँ पर सरकारी टीम जो ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी, ये आपकी सेवा में निरंतर आते हैं और ये हमारा सबसे संवेदनशील तबका है, महिलाएं और बच्चे, ये हमारी चिंता के केंद्र में है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क देता है वो लॉन्च करके गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में सुविधा लेने के लिए सुअवसर प्रदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद आप भी जा कर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में बीमार हो तो अपना कार्ड दिखाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में न जाना पड़े इसकी चिंता हमें पहले करनी है और यह चिंता तब से करनी पड़ेगी जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। पहले जो हमारी अपनी संस्कृति थी उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहू जब गर्भवती हो तो सास ससुर और पूरा परिवार बहुत ही उसके प्रति सतर्क रहता था, उसके खान पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर दृष्टि से। अगर आपने उस अवधि में 9 माह में गर्भवती माँ की देखभाल नहीं की तो उससे फिर रोगी और कमजोर बच्चा पैदा होगा, फिर उसकी संतान होगी कमजोर, तो एक तरह से ऐसी श्रृंखला समाज में खड़ी हो जाएगी जो बीमार लोगों का समाज हुआ है। तो हमारे बगल में जो बैठी है, यहाँ एएनएम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, ये सब एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी समाज की सेवा कर रहे हैं। इस गांव में मैंने अभी थोड़ा जानकारी चाहा है, सूचनाएँ अपडेट नहीं दे पा रही हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि सभी तक हमारी ये स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचे। टीकाकरण उन्होंने बताया कि हाँ, पूरे गांव में जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है और आपका स्वास्थ्य केंद्र है, उन सब जगहों से टीकाकरण हो रहा है। तो पहली बार तो जो हम लोग कई स्वास्थ्य सेमिनार में शामिल हो चुके हैं उसमें कहा गया है कि 1000 दिन बच्चे का प्रसव में 9 माह और उसके बाद का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है उस समय भी उसकी माँ की देखभाल, जिससे बच्चा स्वस्थ और निरोगी पैदा हो और माँ भी स्वस्थ रहे, और पैदा होने के बाद 6 माह तक माँ का स्तनपान कराना चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, रोगी नहीं होगा, और उसको जो है 6 माह के बाद फिर जो परामर्श देते हैं उस तरह की डाइट और टीकाकरण का जो कार्यक्रम है। इतना अगर आपने 1000 दिन 3 साल देखभाल कर दिया, जैसे छोटा पौधा है अगर उसको लगाने के बाद उसकी देखभाल खाद पानी अच्छा मिल गया तो बड़ा हो जाता है, तो उसे उतनी देखभाल की जरूरत नहीं है, वो जीवन शक्ति जमीन से ही ले लेता है। हम अपनी पीढ़ियों के साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं केवल इसके महत्व को रेखांकित करते और इन लोगों की जो सरकारी टीम हमारे बाएँ बैठी है कि ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है। सरकारी नौकरी तो सब जीविका के लिए करते हैं लेकिन समाज सेवा भी बहुत बड़ी है, ये पीढ़ियों के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर आशा है आप लोग इधर उधर कहीं भी प्रसव के लिए न जाए, उनका काम है संस्थागत प्रसव कराना, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ जाए, सुरक्षित रहें। यहाँ PSC पर नहीं है तो जिला अस्पताल से नहीं है तो फिर इलाहाबाद या फिर लखनऊ आपको सरकारी जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है वो ले जाएगी, कोई शुल्क लगता नहीं, ये सब आपकी सेवा के लिए। दूसरा, मैं यहाँ पर ये शिक्षा विभाग है जिसके कैंपस में हम लोग हैं, यहाँ पर बच्चों को जरूर भेजिए, शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो, प्रधान जी इसकी भी चिंता करिए, अन्य विकास कार्यों के साथ साथ देखें कि स्कूल में पढ़ाई गुणवत्तापरक हो रही कि नहीं। यहाँ सब निःशुल्क है, खाना है, स्कूल ड्रेस है, किताबें हैं, अभी हमारे मोबाइल में आजकल सब तुरंत जो है लिख है, जनपद के सारे स्कूलों में कहीं भी हमें निरीक्षण करना होता है ये ऊपर कोड लिखा है, नाम डाले कि स्कूल खुल जाता है, फॉर्मेट है भर दिया कर दिया, स्कूल बंद है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 7 अध्यापक हैं और 151 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमने यहाँ कोड देख लिया।
मास्टर साहब जावेद आकर सोच रहे हैं कि अभी तक आवासीय परेशान थे, पीडी साहब स्कूल की भी खबर ले रहे हैं। हम अभी एम एम से हमने कहा है आप हम अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन डोनेट करके व्हाट्सएप दे दीजिए। आज जो जानकार व्यक्ति है उससे कोई चीज छूटी ही नहीं है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना कि सब जगह ऑनलाइन कर दिया गया है, डीबीटी कर दिया गया है। पहले पैसा रुपया चलता था तो कुछ रुपया दहने बाएं होने की संभावना थी, अब रुपया है ही नहीं प्रचलन में। बैंक में आपको जाना ही नहीं है, आप निकालने जाइए। सरकारी रुपया कोई छू नहीं सकता क्योंकि वहां केंद्र के खाते से या राज्य के खाते से रंथू आपके खाते में पहुंच गया है। अब आप केवल जागरूक हो जाइए, कोई आपसे अनावश्यक प्रयास कर रहा है तो उसको उच्च अधिकारी बता दीजिए। तो बहुत कुछ अंकुश जो है अब जहाँ छोटे मोटे छेद रह गए उसको भी बंद करने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो आपको सभी योजना है, आज के डेट में कहीं कोई कैश तो बांटा नहीं जा रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास हो, जनता कार्यक्रम का हो, पेंशन का है, सभी योजनाओं का पैसा आपके खाते में जा रहा है और हमें पता भी है, ट्रैक भी कर रहे हैं। और मैं खुद परियोजना निदेशक हूँ, जिले के ग्रामीण आवासक आवास कार्यक्रम को मैं देखता हूँ। जनपद प्रतापगढ़ में 131,696 लोगों को आवास दिया गया। अभी मैं आपके गांव का आंकड़ा, हमारे सिक्योरिटी पीछे भागने लगेंगे, ये सब कभी तैयारी से रहते नहीं। हमारे हाथ में जो हथियार है बहुत कारगर, हमने खोल के देखा कि यहाँ पर कुल 51 लोगों को प्रधानमंत्री आवास 2016 से आज तक दिया गया है और उसमें आवास प्लस में 35 लोगों को दिया गया है। तो गांव छोटा होगा या सूची में कुछ लोग जितने थे, आज की तिथि में कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको हमने आवास नहीं दे दिया। एक सज्जन है जिन्होंने पैसा लिया पहली किस्त के बाद, वो किस कारण से नहीं बना रहे हैं। पिछले गांव में हम गए, प्रधान जी से चर्चा किए, वहाँ 5 मनीषी लोग मिले, तो हम कहा थे उसे अनुमत लेंगे, थोड़ा इनकी हाल खबर ले लें। तो जो पाए जो उनके साथ होना चाहिए वो मैं करके आ रहा हूँ, क्योंकि समय हमारे लिए बड़ा प्रीशियस है। अपना टाइम मैनेज करते हैं कि यहाँ गए ये काम हो जाए, यहाँ गए तो ये काम हो। आवास के लिए हम आपको जरा, इसमें कितने लोग आवास पा चुके हैं हाथ उठा दीजिए। अगर वो पा रहते हैं वो खाने में संकोच क्यों करते हैं? ठीक है, अच्छा जो नहीं पाए हैं वो उठा दीजिए। नहीं वाले बहुत तेजी से हाथ उठाएंगे, अभी आपके घर चलेंगे तो आप घर में दो दो दिन आवास मिला होगा। तो मुझे तो मैं इतना घूम चुका हूँ जनपद के गांव कोने कोने, मुझे पता है पिता को मिल गया, फिर बेटों को मिल गया, फिर बेटे के बेटे को भी आवास मिल रहा है। ये तो श्रृंखला चल रही, 4 बेटे हैं अभी आप आज के पास हैं, अगली बार 2 महीने बाद पता चला बहू आई, 6 महीने नीचा बीता के दूसरा छपरा डाल के फिर आवास के तैयार हो गए पास। तो ये सतत चल रहा है, ये हम लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी अगर कोई वंचित है तो उसे आवासीय सुविधा मिलेगी। जावेद अहमद से हम कहेंगे कि आप सर्वे करके कृपया हमें मोबाइल न ठोकना पड़े, ये आंकड़े हायर सेक्रेटरी आप सभी विभाग केवल आवास पेंशन के लिए नहीं, चाहे आशा हो, रेना हो, स्कूल हो, सब विभाग की सूचना आपके पास होनी चाहिए। और प्रधान जी को भी जानकारी दीजिए, गाँव वालों को जानकारी देना, रोज न मंडल अध्यक्ष आएगा, संगठन आएगा, न हम आएंगे, सेक्रेटरी प्रधान को 24 घंटे के लिए हमें आना है। मैं जिले में हूँ तो पूरा वहाँ काला काला से लेकर के और आखिर तक कोना कोना होता है। रोज हमारा प्रतिदिन कोई दिन नहीं खुलता जिस दिन हम एक दो गाँव में भी जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है और आप लोगों की कल्पना भी पता है कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो। काम करते हैं, काम का आपके पास लेकर मौका नहीं मिलता। स्कूल में पहुंचने पर हमने देखा ना कि 7 टीचर हैं, अच्छा ये हमने निकाला देखा। आप सभी योजनाओं का जिसका जो पार्ट है पेंशन में है, कितने लोग पेंशन धारक हैं, तीनों तरह की पेंशनों में जो लोग, कई लोग मृतक हो चुके होंगे अभी भी उनके खाते में पेंशन चली आ रही है, वो पेंशन बंद करा दीजिए, सरकार किसी और को दे देगी। बैंक में रखा रहेगा वो सैलरी अकाउंट में, बैंक मैनेजर डाल देता है, किसी लाभ उस पर बैंक ब्याज कमाता है। हमारा जिस योजना का पैसा है वहाँ के लोगों तक पहुँचना चाहिए। या प्रधान जी से अनुरोध करूँगा कि देख लीजिए, पेंशन की कोई कमी नहीं, जो भी विधवाएं हैं, जो भी वृद्ध हैं, जो भी दिव्यांग हैं, सबको 100% पेंशन
मिलनी चाहिए, मिलेगी। आवास की बात हो गई, पेंशन की बात हो गई, पूरे नरेगा में भी काम करता है जो लोग रहते हैं आपका, तो हम ये भी अनुरोध करेंगे कि जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उन्हें लगातार काम दीजिए। 100 दिन की रोजगार गारंटी है, 3-3.5 महीने का काम होता है, बाकी सब अपना कहीं और कमा कमा रहे हैं। मनरेगा में बाजार दर से मजदूरी थोड़ी कम होती है, ये जाहिर सी बात है। तो वहाँ लोग मजदूर आना चाहते हैं, इच्छा पूर्वक तो नहीं आना चाहते, कुछ काम चोरी के नाते आते हैं कि हाँ थोड़ा ढीले ढाले पर भी मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है, अगर सरकार मनरेगा की मजदूरी घटा के 100 रुपए करते तो बाजार बार को 125-150 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। जैसे सरकारी ईद का रेट बढ़ा होता है भट्टे वाले तुरंत की तरफ सरकारें दे रही है, तो बाजार में जो आपको अच्छी मजदूरी मिल रही, जैसे कृषि समर्थन मूल्य होता है कि हम धान या गेहूँ इतना क्रय करेंगे तो बाजार फिर ऊँचे उठ जाती है, अगर सरकार क्रय न करे तो पता चला कि माटी के दाम पर खरीदना शुरू कर देंगे। तो आपको मरेगा दोनों तरह से, जो इच्छुक है काम का हम उसको दे रहे हैं और पूरा साल भर तो नहीं दे रहे हैं, बाकी आपको अधिक मजदूरी है, आप काम करेंगे तो आपके गाँव की सड़क बन जाएगी, चकोर बन जाएगा, तालाब खुल जाएगा, जो भी बनेगा, ढेर सारे कार्य हैं, वृक्षारोपण के कार्य हैं, बहुत कार्य हैं। अवसर नहीं है कि हम डिटेल में सारी योजनाओं को गए। दुनिया में सबसे ज्यादा योजनाएं चलाने वाला भारत, पैदा होने से लेकर मरने तक कोई ना कोई कार्यक्रम है जिसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इतनी योजनाओं का लाभ और निःशुल्क लेते हैं। आवास और इन सब के अलावा एक हमारा जो ग्राम विकास का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह का, इसमें से कुछ लोग भी जुड़े होंगे, आजीविका मिशन से कोई जुड़ा है जरा हाथ उठा दे। देखिए हमारी ये 4-5-6 काफी दीदियाँ, गौरा काफी तेज है इस कार्यक्रम में। आपका कार्यक्रम हमारे जो डीसी साहब जनार्दन है, डिप्टी कमिश्नर, वो देखते हैं, लेकिन पता तो ही है, हम लोग जो रहे हैं हमें जानकारी है। तो पीछे के गांव हमने देख लिया, यहाँ ब्लॉक के यहाँ समोसा की आई है क्या, समोसा की कौन आप है, क्या नाम है, आशा देवी, इनके लिए जरा ताली बजाइए, ये बहुत बड़ा देखिए वो स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहा है, वैसे इनका भी कार्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक लिंकेज कराना कितना समूह है आपके, 20 समूह, क्या बात है। तो एक दिन जरा बड़ी बैठक आयोजन कर लीजिए, जाने जाना मैं पूरी टीम लेकर आप गाँव बैठ जाता हूँ, इस समूह से एक साथ बात हो जाएगी। तो मैं अभी नया रहा है, 10 दिन हुआ आपके यहाँ आए, तो ये कार्य छोटा नहीं, बैठिए बैठिए, बहुत बड़ा कार्य है। आप एक साल के भीतर एक समूह के लोगों को औसतन लगभग चाहे वो 100 रुपये महीने की बचत कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये उसके बाद पूरी हो जाती है, और 20 लोग हैं तो फिर आप रोक लीजिए कितना तो ये है, और 5-6 लाख का जो आपको उसके लिए किसी परियोजना के लिए होता है, 5-5 लाख को तो 1 करोड़ रुपए आप आराम से इस योजना से खाली 10-10 रुपए वाले से ले सकते हैं। इसमें इतनी संभावनाएं हैं, और 20 समूह का मतलब कम से कम 200 लोग, मिनिमम 200 लोग, 244 लोग, 244 आदमी साहब है, तो अब आप यहाँ पर इसको देखिए भाई, आप प्रभारी भी हैं, 244 परिवारों के पास वित्तीय समावेशन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, वो वित्तीय समावेशन हो गया है, जब आप चाहें तो आप उससे पैसा ले सकते हैं, किसी से रुपये कर्जा मांगने की ना हाथ पकड़ने की जरूरत, आपने किया निकाल ले दिया, रजिस्टरमेंट कर लिया, तो ये बड़ी बात है कि आपके पास बिना बैंक से कर्ज लिए हुए आपका अपना बैंक, अपने बैंक से आपका अपना मैनेजर है, वही अध्यक्ष, वही सचिव, अपना बिहार में कोषाध्यक्ष, तो ये जितने लोग हैं सारे लोग पूरा गांव इसमें आकर के सिचुएट हैं। और पहले समूह की तरह से थी, केवल पुरुषों का, केवल महिलाओं का, खिचड़ी पुरुष और महिला, लेकिन देखा गया कि सबसे ज्यादा बचत करने की आदत महिलाओं में होती है, पैसा पाया आदमी ठोका तो बराबर कर दिया, पत्नी के हाथ में गया तो फिर जल्दी निकलने वाला नहीं है, वो सबसे सुरक्षित निवेश है, पत्नी पैसा सौ दीजिए साफ से झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन जब जब मांगे संकट होंगे पत्ता वही देती है, इसी तरह से लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी जी के पास है सब सुरक्षित है,
तो यहाँ की जो लक्ष्मी है उनको आप महिला सशक्तिकरण कहा जाता है, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा? करोड़ों रुपए हम दे करके आपको साक्षर करें, शिक्षित करें और आपको हर क्षेत्र में आप आगे बढ़े, ये सरकार की मंशा है। तो आप आजीविका मिशन से मिलिए, मनरेगा से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कूल है बच्चे को जरूर भेजिए, हमारा भविष्य है, अच्छी पढ़ाई हो, पूरा जो हमारी हमारा सरकारी सिस्टम है वो अपने दायित्व को सही तरह से कर ले तो एक अच्छा समाज निखर करके आ जाएगा। तो मैं दूसरा कार्यक्रम हमारे बहुत है, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा किया, यहाँ भी पानी की टंकी और सब कुछ कार्यक्रम आगे बहुत पसंद किया चल रहा है। एस एल डब्ल्यू में गाँव आपका चरित है, एस एल डब्ल्यू में चरित है, कुछ पैसा मिला है, वो कार्य योजना बनाई चुके हैं हमने। तो हर घर जहाँ पर झगड़ा करता है अभी संवादा कर लीजिए, पंचायत पंचायत की रही काम शुरू कर दो, सदन राधा रोड पर हो, पूरा अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो जाए और जहाँ उसका पानी निकासी के लिए पूरी तालाब से लिंक कर दीजिएगा, प्लान हम बैठ के देखेंगे क्योंकि तो बहुत समय लग जाएगा डिले हो जाने पर। राजनीति में आपके यहाँ आवंटन क्या होता है दोनों आदमी प्रधान से बोलकर बताएंगे, काम के क्या आवंटन है, पंचायत विभाग से कितना पैसा आ जाता है और मनरेगा से कितना आ जाता है, नौ लाख रुपये आपके सक्रिय लेबर कितने जॉब कार्ड धारक, जॉब कार्ड धारक सक्रिय कितने हैं, काम कितने करते हैं, 158 है, तो आप उसकी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। आप जो है मजदूरी दर क्या है आज 213 है, तो आपका 100 लोगों का रोजगार मल्टीप्लाई कर लीजिए 20,230 से, तो आपके पास जो है कम से कम 40-50 लाख रुपए का तो यही हो जाएगा। तो आप अपनी दोनों योजनाओं का ये ना हो कि कन्वर्जेंस करिए प्रधान जी, अभी आप लोग सब एक बैठक मुलाकात करेंगे डिटेल में, आप जो राजनीतिक पैसा हमें लगभग 23% मजदूरी आप उससे अनावश्यक दे रहे हैं, वो पैसा बचा लीजिए, 25% खर्च करिए, 25% नरेगा से निकाल लीजिए, मजदूर वहीं तक जो पैसा खर्च रहेगा नरेगा से मजदूरी निकाल लीजिए। अगर आपका 10 लाख आ रहा है तो 2.5 लाख रुपये आपका बच जाएगा, उसको किसी पत्ते कारण लगा लीजिए, मजदूरी तो दे ही रहे हैं लेकिन आप जो है खाली खाली बगैर खाली नहीं कर रहे। तो मैं सब बैठक मैं बताऊँगा कैसे आप अपने उसी पैसे से ज़्यादा कार्य करा सकते और 2.5 लाख वहाँ से ये तो बचाएगा रहना ही नहीं सीखा और 2.5 लाख उसमें करेंगे तो वहाँ 1.25 लाख के आसपास मजदूर जाएगा, तो आप करीब 3-3.5 लाख का पता कार खा जाएंगे। अब इसमें क्या भय है क्या हमें समझ नहीं आता, जो भय आपका जिस भय को वहाँ तक रहे हैं वो भय को हम नरेगा पता करें वहाँ भी पता करें, बस इतना होगी सरकारी व्यवस्था में सरकार उत्पीड़न में आ जाए तो चाहे जिसको चाहिए उत्पीड़न होगी, हमारा उद्देश्य उत्पीड़न है, हमारा उद्देश्य काम करना है। तो मैं आपसे सभी योजनाओं के बारे में हल्की फुल्की बात किया, सबको मैं चर्चा भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत समय लगेगा। आज की बैठक केवल आपको जागरूक करने के लिए है, वीडियो आई साहब आप पूरी टीम लेकर के यहाँ तैयारी कर लीजिए, पीछे के बाद शिकायत है कि उनको अभी कुछ भी नहीं मिला, अब आप जाते जाते एक काम करा दीजिए, स्वास्थ्य मिशन मनरेगा पूरी टीम और मैं आऊँगा, जब मैं चला जाता हूँ फिर वो मेरे मोबाइल और दिमाग को टेप रहता है, मैं फिर आऊँगा, तो मैं आपकी अरे मारो बोलिए आपकी सेक्रेटरी को है प्रधान को है, इतनी बड़ी भीड़ है, 4 आदमी नहीं आएंगे तो कार्यक्रम नहीं होगा, वो नहीं आए तो कार्यक्रम नहीं हुआ क्या, तो हमें करना है, आप लोग नहीं गए आवाज में देख के चला रहा हूँ पीछे गाँव में क्यों पैसा नहीं जा रहा है, क्या बदमाशी हो रही है, तो जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हम पहुँच जाए, लेकिन हम सेक्रेटरी या एमपी नहीं हो सकते, आपकी ड्यूटी है आपको करना ही पड़ेगा अगर नौकरी करो। मैं सबको पूरा हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अजय जी को, धनराज तिवारी जी को, संगठन के सभी लोगों को, ग्राम प्रधान को और आए हुए सभी ग्रामवासी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, मेरे लायक जहाँ से जो भी सहयोग अपेक्षित है अपने सेक्रेटरी के माध्यम से सीधे मुझसे जैसे भी हो हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो समस्या के पूरी निराकरण जरूर करें, सबको पुनः सादर नमस्कार, जय हिंद।